हमारे साथ 1000 फार्मर्स जुड़े हुए हैं तकरीबन। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि दूसरे की आस्तीक नहीं हूँ, आज मैं खुद से कमाती हूँ। हमारे को पैकेट कई लोगों ने, शॉपकीपर्स ने वापस मुंह पे फेंक के मारा। सबसे बड़ा सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या था उस प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस लाने का? 3 कार्टन केवल बेचे थे, दूसरे साल में 50 कार्टन बेचे और 10वें साल में जाके हमारे 5000 कार्टन बिके और अब हम लोग साल के 50000 कार्टन बेचते हैं। दिल्ली से करीबन 180 किलोमीटर की दूरी तय करके किसान ऑफ इंडिया की टीम आ पहुंची है बिजनौर जिले के धामपुर शहर में। धामपुर शहर का चीनी उत्पादन से एक पुराना रिश्ता रहा है और धामपुर चीनी निर्यात के मामले में देश के प्रमुख शहरों में से एक है। और मैं आपको यहाँ की जो स्टोरी किसान ऑफ इंडिया की टीम आपके लिए लेकर आई है उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूँ, थोड़े सा उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से यहाँ का एक ब्रांड है धामपुर ग्रीन, वो किसानों के साथ काम कर रहा है, किसानों को साथ में लेकर काम कर रहा है। उसकी ये स्टोरी है। 1932 से धामपुर ग्रीन पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन किसानों को साथ लेके, खास तौर पर गन्ना किसानों को साथ लेके किस तरह से काम कर रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। धामपुर के गन्ना किसानों के खेतों से गन्ना निकलकर पहुंचता है धामपुर ग्रीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहाँ पे कई तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं गन्ने से वो बनाए जाते हैं, गुड़ हो गया और भी बहुत कुछ। क्या क्या रेंज है उसके बारे में आपको इस वीडियो के आगे के हिस्से में पता चलेगा और किस तरह से फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पैकेजिंग यूनिट पे वो चीज़ आती हैं और यहाँ पे जो पूरी की पूरी पैकेजिंग यूनिट है, यहाँ पे जो मोस्टली जो जिम्मा संभाला हुआ है वो महिलाओं ने संभाला हुआ है। और मेरे साथ मौजूद हैं धामपुर स्पेशलिटी शुगर्स लिमिटेड के डायरेक्टर श्रेय गुप्ता। पहले तो श्रेय बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। आपका भी मैम, वेलकम टू आवर यूनिट। एंड श्री, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ये महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, तो किस तरह से आपने क्यों चुना कि हाँ मेरी जो पैकेजिंग यूनिट है यहाँ पे मोस्टली जो रहेंगी वो महिलाएं ही रहेंगी? जी मैम, तो पहली बात तो ये है कि महिलाओं का जो सेंस ऑफ हाइजीन है, जो कि एक किसी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितने भी प्रोटोकॉल्स, आप कितने भी मेजर्स इस्तेमाल करें हाइजीन का, बट हाइजीन अंदर से आनी बहुत ज़रूरी है एक वर्कर को। तो वो जो है एक एवरेज फीमेल वर्कर में मेल वर्कर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको किचन संभालने का, बच्चे को संभालने का बहुत क्रूशल होता है कि हाइजीन वेल मेंटेन रहे, जिससे कोई बीमारी ना हो घर में। तो इसीलिए हमने उनको रखने का प्लान बनाया और हमें काफ़ी सक्सेस मिला इस चीज़ से। तो आज की डेट में हमारी काफ़ी हद तक 80-90% वी आर डिपेंडेंट ऑन लेडी वर्कफोर्स फॉर आर प्रोडक्शन। और अभी जैसे हम यहाँ पे इनकी जो फैक्ट्री है, पैकेजिंग फैक्ट्री में हम खड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग भी पहुँचे तो हमने भी यहाँ पे जो कैप है वो लगा रखी है और यहाँ पे भी जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कैप्स और हाथ पे जो ग्लव्स है वो लगाए हुए हैं, तो हाइजीन का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। और मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ पे बता दूँ कि श्रेय ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्टडी करी है, फॉरेन से पढ़ाई, फिर आप यहाँ आए भारत और यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में आप उतरे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं था कि हम फॉरेन में पढ़ाई करके यहाँ लौटे और उसके पीछे कोई रीज़न था, बट एक्चुअली हम फॉरेन पढ़ाई करने ही गए थे जिससे हम यहाँ आके वी कैन मेक अ डिफरेंस। वहाँ की स्किल्स, वहाँ की एजुकेशन, कोई भी ऑब्वियसली डेवलप्ड इकोनॉमी में आप पढ़ाई करें या कोई भी स्किल सीख रहे हैं तो इट कैन ब्रिंग एंड यू कैन, आप अच्छे आइडियाज़ लेके आ सकते हैं इंडिया में, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही मेरा प्लान था कि मैं बाहर से आइडियाज़ वे ट्रेनिंग लेके आऊं और उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करूं और जिससे हम आगे बढ़ सकें, और तो दैट वाज द प्लान मैम। एंड में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि धामपुर के कई गन्ना किसान धामपुर ग्रीन से जुड़े हुए हैं, तो कैसे आपने अपने अपने साथ फार्मर्स को जोड़ा? तो मैम, हमारे ग्रैंडफादर साहब पूसा इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, तो उनका रिसर्च शुरू से शुगर केन में रहा है कि कैसे उसका सुक्रोज कंटेंट बढ़ा सकते हैं।
उन्होंने ही बहुत पास नज़दीकी से उन्होंने कई किसानों के साथ अपने एरिया में अपनी ज़मीनों पे, वह जो ज़मीन अपनी भी नहीं थी किसान थे तो उनको अच्छे से अच्छे बीज गन्ने के देना, वे कैसे उनको अच्छी क्रॉप शुगर केन की इस एरिया में बोई जाए तो उसकी ट्रेनिंग देना। तो ऐसे करके हम ये मान लीजिए हम रूट से जुड़े हुए हैं और किसान भी उस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अब उन्हें उसका रिज़ल्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो ऐसे करके हमने किसान से हम जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे श्री आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हमें यहाँ पे आपकी जो पैकिंग यूनिट है यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, मैं हमारे जो कैमरा पर्सन हैं उनसे बोलूँगी कि यहाँ पे वो आएँ और दिखाएँ कि कौन कौन से यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकिंग चल रही है। श्रेय जी, तो ये शक्कर की पैकिंग चल रही है जिसे जैगरी पाउडर या गुड़ का पाउडर कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से बनाया गया जैगरी पाउडर है। हम इसको जार में पैक करते हैं और मार्केट में बेचते हैं अलग अलग चैनल्स में, मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड, हॉरेका चैनल में। तो ये है मैम, ये आपको मैं दिखाता हूँ, एक फिनिश प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये हमारी पैकिंग लाइन है, जैगरी पाउडर को जार में डाला जाता है और हमने एक सिंपल सी पैकेजिंग लाइन रखी है जिससे यहाँ की जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड व अनस्किल्ड वर्कफोर्स दोनों तरह की वर्कफोर्स इस पैकिंग लाइन पे काम कर पाएँ। ज़्यादा ऑटोमेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन और वर्कफोर्स इंटिमिडेट हो सकती है, तो उसको हमने बहुत सिंपल प्रोसेस रखा है। और मैं आपको एक फिनिश प्रोडक्ट दिखाता हूँ कैसे होता है। तो मैम ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, आप जैसे देख सकते हैं जैगरी पाउडर इसमें लिखा हुआ है, हमारा ब्रांड नेम आया हुआ है। ये 700 ग्राम का जार है, हम इसे पेट जार में पैक करते हैं जिससे इसमें फंगस की प्रॉब्लम ना आए, ट्रांसपोर्टेशन इजी रहे और कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमने रियलाइज़ की है कि इस टाइप की पैकिंग बेस्ट रहती है जैगरी पाउडर को मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये है हमारा जैगरी पाउडर। मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि और भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, तो हम आपको उन प्रोडक्ट्स की ओर भी ले चलते हैं और श्रेय से जानेंगे कि वो प्रोडक्ट्स की खासियत क्या है एंड ऑल। तो यहाँ पे एक और ये प्रोडक्ट्स हैं ये तैयार हो रहे हैं, श्रेय ये क्या है? मैम ये ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर है, हमने ऑर्गेनिक की लाइन अलग रखी हुई है जिससे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक अगर कुछ है तो वो मिक्स ना हुए। सो दिस इज़ मेड यूजिंग ऑर्गेनिक शुगर केन, दिस इज़ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक और हम इसको पॉली पैक में सेल करते हैं मार्केट में। दिस इज़ ये 800 ग्राम की पैकिंग है और इसकी MRP 99 है। तो अब मैं यहाँ पे और भी कई प्रोडक्ट्स उनकी पैकेजिंग चल रही है, महिलाएं कर रही है, तो अश्री मैं जानना चाहूँगी और कौन से यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स उनकी पैकेजिंग अभी चल रही है। तो मैम इस समय हम इस टेबल पे देखें तो ये गुड़ सौंफ की पैकिंग चल रही है, इसमें हम सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ और सौंफ का। तो ये एक अच्छा माउथ फ्रेशनर भी है, गुड़ का मीठा टेस्ट बैलेंस करने के लिए सौंफ का टेस्ट अच्छा रहता है। तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैम, ये हमारा गुड़ सौंफ का पैकेट है, 150 ग्राम का पैकेट है। इसको एक बार फाड़ें खाएँ फिर इसे फिर से रीसीलेबल पाउच में ये प्रोडक्ट है और 150 ग्राम की पैकिंग है। इसमें और पैकिंग भी हमारी आती हैं बट अभी जो लाइन चल रही है वो 150 ग्राम की पैकिंग की चल रही है। मैम मैं आपको इसको ट्राई कराता हूँ और एक बार आपका फीडबैक लेता हूँ। मोस्टली जब आप कहीं पे भी खाना खाने जाते हैं आपको खाने के बाद सौंफ और मिश्री या फिर कहें जो चीनी है वो मिलती है और उस चीनी में एक मिलावट होती है, लेकिन इसमें गुड़ के साथ सौंफ है जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जी यही हमारा एंडेवर है कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स दे पाएँ कस्टमर्स को कंपेयर टू अनहेल्दी प्रोडक्ट जो कि मार्केट में जनरली सर्व किए जाते हैं या हम कंज्यूम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो वैसे ही जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि ज़्यादातर सौंफ और मिश्री को साथ खाया जाता है, मिश्री में जैसे हमको पता है चीनी होती है, वेर एज़ गुड़ इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ स्वीटनर, इसमें सब तरह के मिनरल्स भी होते हैं। ये गुड़ सौंफ है, गुड़ जैसे इसका नाम है, इसमें हम सिर्फ दो ही इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ और सौंफ। तो गुड़ और सौंफ को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, कोटिंग की जाती है
और ऐसे ये प्रोडक्ट का उत्पाद होता है। यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि धामपुर ग्रीन जो है करीबन 200 के आसपास जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोग बनाते हैं, और ऐसे ही और भी यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या है श्री? तो मैम ये हमारी लिक्विड फिलिंग लाइन है। यहाँ पे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स बेचे जाते हैं उसको हम इधर फिल करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। तो एक ये प्रोडक्ट है जो कि लिक्विड शुगर की तरह है, ये इन्वर्ट शुगर इसका टेक्निकल नेम है। तो जैसे घर में चाशनी बनाते हैं ये उसी टाइप का प्रोडक्ट है। ये इन्वर्जन ऑफ शुगर एक प्रोसेस होता है, उससे इसका उत्पाद किया जाता है। तो इसमें इसकी प्रोडक्ट की ये खासियत है कि इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। कई सारी रेसिपीज़ चाहे वो बेकरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो टोबैको इंडस्ट्री हो, कई सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका एप्लीकेशन होता है। और तो ये हम यहाँ पे बनाते हैं और इसका भी अच्छा मार्केट है। और आप जैसे देख सकते हैं ये क्लियर क्लियर है बिल्कुल, मतलब इसमें कलर बहुत कम आप देख सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अदरवाइज ये गोल्डन कलर में होता है, बट हम इसको गोल्डन और इसको क्लियर कलर में भी बनाते हैं, जिससे कोई भी रेसिपी का कलर चेंज ना हो या जो भी डिश इससे बनाई जा रही है उसका कलर चेंज ना हो। एंड श्री मैं पूछना चाहूँगी कि अभी आपके जो धामपुर ग्रीन के जो प्रोडक्ट रेंज है उनकी जो मार्केट है वो कहाँ कहाँ है, पैन इंडिया या फिर फॉरेन में? तो मैम हमारी मार्केट जैसे कहते हैं कि हमारा एंडेवर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को धामपुर को एज ए रीजन हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर से दूर दे पाएँ, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो मैं ये आपको बताते हुए बहुत खुश हूँ कि अभी हमारा एक लेटेस्ट कंसाइनमेंट कैनेडा के लिए रवाना हुआ था। तो वो कैनेडा में हमारी इंडियन पॉपुलेशन है जो कि कैनेडा में सेटल हुए हैं या उनके कनेडियन लोग भी हैं जिनको हम जिनको अच्छा गुड़ अच्छे गुड़ नेचुरल शुगर्स ये प्रोडक्ट्स अवेल कराना चाहते हैं। तो हमारा वही है कि हम बेसिकली कैनेडा, जॉर्डन, कई सारी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, सारी जगहों पे हमारा सेल रहता है और ये हमारी कोशिश रहती है जी। एंड श्री अगर मैं पूछूं कि धामपुर ग्रीन की यूएसपी क्या है, खासियत क्या है जो इसको औरों से अलग करती है? तो मैम यूएसपी इट्स मैं कहूँगा तीन चार चीज़ों का मिश्रण है जो कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स अपने एक्सपीरियंस से जिसको बनाया। तो सबसे पहली बात तो है क्वालिटी, हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी खुद से जितनी मेंटेन करी जा सके, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो क्वालिटी है। सेकंडली इनोवेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कई सारे हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने पहली बार बनाए मार्केट में कस्टमर्स को अवेल कराए, तो यूनिकनेस है हमारे प्रोडक्ट्स की। थर्डली हमारी एक रेंज है जो कि हम 200 प्रोडक्ट्स जैसे आप कह रही थी, तो 200 प्रोडक्ट्स शुगर केन से उत्पाद करके और कस्टमर को अवेल कराते हैं, तो यूनिकनेस है। ऐसे मतलब ये तीन चार चीज़ें हैं विच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स एंड यस दैट्स व्हाट। यहाँ पे इस फैक्ट्री में सारी की सारी जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि धामपुर ग्रीन के साथ आप लोग काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा रहा है। आपका नाम? रीता रानी। रीता मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरह से जब आप पहले यहाँ पे नहीं थे और अभी आप यहाँ पे काम कर रहे हो और खुद अपने पैरों पे खड़े हो, तो पहले कैसा था और अब आपकी स्थिति में क्या सुधार हुआ है? पहले से सही है, लेकिन जो खर्चे वर्चे के पैसे मतलब तो हम अपने खुद कर लेते हैं, मम्मी डैडी से नहीं मांगने पड़ते। ये यहाँ पे रीता ने बताया कि अब वो खुद के पैरों पे खड़ी है, अब उन्हें किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे और भी कई महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मैं आपका क्या नाम है? नेहा रानी। नेहा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी एक कहते हैं ना
आप अब काफ़ी लंबे वक्त से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अब ये सब आपकी एक तरह से परिवार की तरह है। जी बिल्कुल जी। ये एक फैमिली की तरह है और मुझे इनमें रहना बहुत अच्छा लगता है। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पे काम करते? 5 महीने। 5 महीने तो आपका यहाँ का जो अनुभव है वो कैसा रहा है? बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से हमको काम सिखाते हैं और सभी बहुत अच्छा नेचर से हमसे बोलते हैं, काफ़ी अच्छा नेचर है सबका। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या करते हैं? यहाँ पे हम काम करते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, सब चीज़ें क्लीन कर लेते हैं काम करने से पहले, फिर वर्क करते हैं, जैसे कि जैकरी पाउडर हुआ उसको पैक करते हैं, देसी खांड हुआ, गुड़ चना, ये सब हम पैक करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? नबिया रानी। नबिया, मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पे काम करते हुए आपकी जो ज़िंदगी है, जो आपकी लाइफ है, उसमें एक बदलाव आया है, एक अच्छा बदलाव? काफ़ी सुधार है, घर से काफ़ी अच्छा लगता है, अपने वर्क करने के लिए आते हैं यहाँ, काफ़ी टाइम से हैं, 6 मंथ हो चुके हैं और उसके लिए थोड़ा हमें और अच्छा फील लगता है। तो अभी आपका जो परिवार है उसमें कौन कौन है? मेरी मम्मी है, मेरे 3 भाई हैं, पापा हैं और मैं हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटी है? एक सिस्टर की शादी हो गई, भाई 3 बड़े हैं, मैं छोटी हूँ। तो अभी आपको कैसा लगता है कि हाँ अब मैं खुद के पैरों पे खड़ी हूँ? मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि दूसरे के आस्तीक नहीं हूँ, आज मैं खुद से कमाती हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा कि धामपुर ग्रीन में ये जो महिलाएं काम कर रही हैं, इन्हें बताया कि किस तरह से इनकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन की बयार है वो आई है। मैंने इंजीनियरिंग किया सिविल इंजीनियरिंग IIT रुड़की से, लेकिन उसके बाद MTech करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में थोड़े दिन काम करने का कोशिश किया, कुछ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में काम किया, कहीं पे जॉब किया शॉर्ट टर्म। किसान लोग बीज बो रहे होते थे, हमारे खेतों में लोग बीज बो रहे होते थे, अलग अलग तरह की फसलें बो रहे होते थे, तो वो देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता था, बहुत इन्जॉय करता था। और फिर मैं बार बार ये देखता था कि जो कमी मॉडर्न थिंकिंग की या छोटा छोटा वैल्यू एडिशन की या छोटा छोटा साइंटिफिक अप्रोच, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, वो खेती में जो कमी थी और जो मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था वो मैं किसी और चीज़ में नहीं कर सकता था। तो इस वजह से मैंने तय किया कि मैं खेत से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करूँगा। उस ज़माने में ऐसा था कि किसान को पैसा मिलता था बहुत ही कम गन्ने का, अब तो फिर भी थोड़ा बेटर मिलने लगा है, और जो पैसा मिलता भी था वो 1 या 1.5 या 2 साल बाद उसे वापस मिलता था। तो आप किसान की प्लाइट देखिए, उसने सारा पैसा कैश में खर्चा किया, मेहनत किया, गन्ना ले जाके 3 दिन खड़े होके गन्ना अपना मिल में बेचा और उसको 2 साल बाद पैसा आया। पहले मुझे ये लगा कि किसान की जो अल्टरनेट पॉसिबिलिटी है गन्ने को बेच सकने की, वो क्रिएट की जाए। तो मैंने देखा गुड़ का एक ट्रेडिशनली बहुत बड़ा बिजनेस था जो कि धीरे 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 कंज्यूमर रिफाइंड शुगर की तरफ चला गया, जबकि गुड़ एक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट है। हमारे जो लिटरेचर है, जो आयुर्वेद है, जो इवन महाभारत में, इवन रामायण में उसका जिक्र आता है गुड़ का। तो सोचिए उस ज़माने से गुड़ खाया जाता था, लेकिन हम लोग गुड़ को भूल के चीनी की तरफ चले गए, रिफाइंड शुगर की, जो वाइट शुगर होती है। आजकल एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो मैं गुड़ को दिखाऊंगा अच्छे से अच्छी पैकिंग में, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल साफ, बिना किसी इम्प्योरिटी का, बिना किसी केमिकल का, जिससे कि क्योंकि बाज़ार में खुला गुड़ मिलता था वो चीनी से आधे दाम में, 75% दाम में मिलता था। तो धीरे धीरे मैंने गुड़ को पॉपुलराइज करना शुरू किया, बिना केमिकल वाला, बिना एडिटिव वाला, बिना उसमें हाइड्रोसल्फाइड डाला जाता था, बिना हाइड्रोसल्फाइड का, जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मसाला, तो बिना मसाले का, बिकॉज दैट वाज नॉट हेल्पफुल फॉर द हेल्थ। तो गुड़ को पॉपुलराइज किया, वो गुड़ इतना पॉपुलराइज हो गया कि आज गुड़ 20-30% प्रीमियम पे बिकता है चीनी के मुकाबले, और लोग गुड़ को खाना एक फैशन, एक ऐसा मानते हैं कि भाई हम वी आर हेल्थ ओरिएंटेड, हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ फ्रेंडली, हर तरह से हर चीज़, जना चीनी को, वाइट शुगर को रिप्लेस करना चाहता है गुड़ से। तो मैं मतलब उसको देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई। फिर मैंने उसका दूसरा फेज में मैं जा गया, मैंने कहा गुड़ से रिलेटेड 15-20-50-100 प्रोडक्ट, धीरे धीरे हर साल हम प्रोडक्ट्स बढ़ाते गए, अब 200 प्रोडक्ट्स गुड़ से रिलेटेड हम लोग बनाते हैं। हमारे को देख के बहुत सारे दूसरे किसान मोटिवेट होते हैं, कम से कम 80
गुड़ के ब्रांड अब इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, इधर किसान को कॉन्फिडेंस आएगा, वो कंज्यूमर से इंटीग्रेट होगा, तो ये पूरी जो चेन है किसान से कंज्यूमर तक, फार्म से फोक जिसको बोलते हैं, फार्म से फोक तक की चेन धीरे 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 इंटीग्रेट हो जाएगी। और जब ये इंटीग्रेट हो जाएगी तो मीडिएटर्स निकल जाएंगे और किसान को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, प्योर प्रोडक्ट्स, हेल्दी प्रोडक्ट्स खाने को मिलेंगे एक मुनासिब दाम में। तो फार्मर्स का क्या था कि देखिए, उनको मैंने क्या किया कि फार्मर्स का ग्रुप बनाया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप जिसको कोऑपरेटिव भी बोलते हैं या बोलते हैं, और उनको मैंने दिखाया कि हमने अपने खेत को सारे को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कराया और उसमें जो भी हमारी लर्निंग थी, जैसे गोबर का खाद, कॉम्पोस्ट खाद, या जो जो चीज़ें बनानी थी, जो जो चीज़ें करनी थी, मान लिया वो काम करने में हमको 7 से 8 साल लगे, हमने किसानों के लिए वो काम 3 साल में 4 साल में 5 साल में उनको करने का तरीका सिखाया और करीब 2000 किसानों को सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करवा दिया। गन्ने की पैदावार से बच्चों की पढ़ाई भी हुई, मेरा बेटा एक PCGA कर रहा है, लड़की। पहले जो थी किसान गन्ना कम बोते थे, जब उनको रेट अच्छा मिला तो गन्ना अधिक हुआ, जब अधिक गन्ना हुआ तो अधिक पैदावार हुई, अधिक पैदावार होने से बच्चों की पढ़ाई और हर चीज़ के लिए सुविधा मिली। कैपेसिटी बढ़ने से ही फायदा हुआ है, समय से गन्ना पड़ता है, समय से पेमेंट मिलता है, और पेमेंट जब मिलता है तो खुशहाली तो रहती ही रहती है। जो पहले जो आर्थिक स्थिति थी उसके मुकाबले आज के समय में काफ़ी सुधार है। पहले किसान से जो किसान पे जो उसका किसान का दिया जाता था वो भी नहीं अदा नहीं कर पाता था किसान, आज किसान थोड़ा खुशहाल है, थोड़ा बच्चों को पढ़ा रहा है, क्योंकि समय पे पैसा मिलना ही किसान के लिए फायदेमंद चीज़ है। 70 क्विंटल 80 क्विंटल तक पर बीघा निकल जाता है, उसका रेट भी सही मिल रहा है और समय भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कुछ रेट इतने कम थे जो हमें लागत नहीं मिल पाती थी, अब हमें लागत और रेट बिल्कुल सही मिल रहा है, इसलिए हम लोग सब बिल्कुल निश्चिंत हैं। जब से हम धामपुर ग्रीन से मिले हैं तो हमारे काफ़ी किसान भाई जैविक खेती में लगे हुए हैं, ताकि उनसे बहुत लाभ हो रहा है। धामपुर ग्रीन का मैंने जब शुरू में गुड़ पैक किया तो मैंने मशीन ली, जो पार्ले जी की फैक्ट्री जाके देखी, उसकी एक मशीन ली कि भाई देखो बिस्किट को ऐसे पैक करते हैं। वो मशीन को लेके मैंने सोचा, मैं धामपुर ग्रीन, धामपुर का मैं था और मैं चारों तरफ हरियाली देखता, तो मैंने सोचा मेरा ब्रांड धामपुर ग्रीन होगा, जिससे लोगों को महसूस हो कि भाई ये किसान से कनेक्टेड ब्रांड है। और वो हम लोगों ने बिस्किट पैकिंग की मशीन ली, उसको मैंने खुद अपना थोड़ा अफर्ट करके 6 महीने तक ट्रायल एरर करके उसको हम लोगों ने गुड़ की पैकिंग के लिए तैयार किया। बिस्किट के शेप में हमने गुड़ के स्लैब्स मोल्ड किए, वो मोल्डिंग का भी पूरा प्रोसेस हम लोगों ने धीरे 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 डेवलप किया, स्ट्रीमलाइन किया, जो उसमें प्रॉब्लम्स आती थी, टूट जाता था, वेट वेरिएशन आता था, ये सारे इश्यूज थे, वो ठीक किया। फिर वो गुड़ की मशीन हम लोगों ने, जो पार्ले जी की पैकिंग मशीन थी, उसमें गुड़ को पैक किया और ऐसे करके धामपुर ग्रीन ब्रांड बना। वो पैकेट लेके हम लोग बाज़ार में गए तो हमारे को पैकेट कई लोगों ने, शॉपकीपर्स ने वापस मुंह पे फेंक के मारा कि तुम क्या मेरे को दे रहे हो एक गुड़, ये क्या इतना क्या खास बात है, इसको तुम ऐसे ज़बरदस्ती तुम लूट रहे हो और बेसिकली इसको महंगा बेच रहे हो, जो चीज़ बाज़ार में 10 रुपये की 1 किलो बिकती है या 15 रुपये की 1 किलो बिकती है, तुम उसको 25 रुपये किलो बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो हम लोगों ने उन्हें समझाया कि भाई देखो, पानी भी पहले खुला मिलता था, लेकिन अब हाइजीन की वजह से, हेल्थ की वजह से लोग बॉटल का पानी पीते हैं, ऐसे ये गुड़ आज खुला मिल रहा है, उसमें मक्खी, छिपकली, चूहा, क्या क्या होता है, तो तुम उस वजह से लोग खरीदते नहीं हैं, हाइजीन फैक्टर की वजह से गुड़ खरीदते नहीं हैं लोग। तो हमने वो धीरे 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 दुकानदार और जो शॉपकीपर थे वो कन्विंस हुए। फिर हमने क्या किया कि एक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार सीक्रेट चीज़ बताता हूँ, सबसे बड़ा सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या था उस प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस लाने का, कि ट्रेड फेयर होता है एक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसमें हम लोगों ने स्टॉल लिया और उस स्टॉल पे हमने गुड़ का केवल, कोई बेचा नहीं, कुछ नहीं किया, केवल डिमॉन्स्ट्रेट किया और फ्री ट्रायल्स कराए, लोगों को बोला भाई आप टेस्ट करो। बाज़ार वाला गुड़ ला के रख दिया जो खुला मिलता था, और जो हमने पैक्ड गुड़ बनाया था वो ला के रख दिया था, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वी डेवलप्ड फर्स्ट 100 लॉयल कस्टमर। मतलब अगर उनका गुड़ घर में ख़त्म हो जाता था, वो अपनी गाड़ी से भेज के हमारे ऑफिस से गुड़ मंगाते थे, और फिर उन्होंने
अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में गुड़ बांटते थे कि मैं एक अच्छी चीज़ अपने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। तो हमारा गुड़ कलकत्ता, बम्बई, बेंगलोर, USA, कनाडा सब जगह पहुँचने लगा। और इंडिया में एक बड़ी मज़ेदार बात है, लोगों को बात करने में बड़ा मज़ा आता है, और किसी जने ने अगर कोई अच्छी चीज़ ढूंढ ली हो या मिल गई हो तो उसके बारे में सबको बोस्ट करता है। तो बस वर्ड ऑफ माउथ से एकदम पॉपुलर हो गया। तो आप समझिए, जो हमने पहले साल में अगर 3 कार्टन केवल बेचे थे, दूसरे साल में 50 कार्टन बेचे, और 10वें साल में जाके हमारे 5,000 कार्टन बिके, और अब हम लोग साल के 50,000 कार्टन बेचते हैं। हर किसान के घर घर में यूनिट देखना चाहता हूँ कि वो 90% मेहनत करता है खेत पे, 10% मेहनत और करे और अपनी आमदनी 5 गुनी कर ले। इस तरह से हम लोगों ने जो किसान था, किसान के लिए वैल्यू एडिशन करना सिखाया, उसे प्रोसेसिंग करके, ऑर्गेनिक करके, उसकी फैमिली की लेडीज़ को हम लोगों ने ट्रेन किया अपनी फैक्ट्री में, जो कि आपने देखा होगा कि लेडीज़ को ट्रेनिंग मिल रहा है कैसे वो बेसिक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। उसके लिए 1,00,000, 2,00,000, 50,000 रुपये की केवल मशीन चाहिए और वो लोग बेसिक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जिससे कि उनकी आमदनी 4 गुनी हो सकती है। बच्चों के लिए हमने स्कूल खुलवाए, जिससे कि उनकी एनालिटिकल स्किल, उनकी उनकी फ्यूचरिस्टिक दूर तक देखने की क्षमता, लॉन्ग टर्म बेनिफिट समझने की, किस चीज़ में उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो समझने की क्षमता, आपस में कोऑपरेशन समझने की क्षमता, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस को अडेप्टेबिलिटी, वो सारी चीज़ें आएँ। तो इस तरह से धामपुर ग्रीन ने अलग 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 लेवल पे लोगों से कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया। धामपुर ग्रीन ऐसा है कि जो शुगर केन फार्मर्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स पैदा कर रहे हैं, जैसे कि गुड़ है। गुड़ को जो कोरोना पीरियड हुआ उसके बाद गुड़ की इम्पोर्टेंस पता लगी। हमारा एरिया जो है जहाँ धामपुर ग्रीन, हम लोगों ने नेहटौर में, धामपुर में, हरेवली में ये जो अपनी फैक्ट्रीज लगाई हैं, ये एरिया में स्पेशल फीचर ये है कि ये जाड़ों में यहाँ प्रोसेसिंग होती है, जबकि वर्ल्ड में कहीं भी जो शुगर केन पैदा होता है उनकी प्रोसेसिंग के लिए कोल्ड क्लाइमेट नहीं मिलती, और कोल्ड क्लाइमेट ना मिलने से जो फर्मेंटेशन और क्वालिटी है गुड़ की वो डिटोरिएट हो जाती है। तो इसलिए वर्ल्ड में जो सबसे अच्छी क्वालिटी बन पाती है वो धामपुर और एडजॉइनिंग एरिया, ये सहारनपुर से जो मुजफ्फरनगर का एरिया है, बिजनौर का एरिया है, मुरादाबाद का एरिया है, यहीं सबसे अच्छा गुड़ दुनिया में बन पाता है और यहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है। इसीलिए गुड़ को एनकरेज करने के लिए जो हमारे फार्मर्स हैं, जब उनको अल्टरनेटिव गुड़ का वो होगा, चीनी के साथ साथ वो गुड़ भी बनाएंगे और गुड़ का एक्सपोर्ट होगा, तो उनको एक नया एवेन्यू मिलेगा, एक चैनल मिलेगा अपनी फसल को देने के लिए। अब डाइवर्सिफिकेशन भी फार्मर सोचने लगा है कि गन्ने के साथ साथ मेडिसिनल क्रॉप भी उगाए और दूसरी चीज़ें भी उगाए। उसके लिए भी जो धामपुर ग्रीन है उसमें सौंफ है, जैसे कि चना है और दूसरी वेराइटीज़ है, उनके भी प्रोडक्ट्स उन्होंने गुड़ के साथ मिल के बनाए हैं और उन प्रोडक्ट्स की ओवरऑल बहुत डिमांड है, और जब वो प्रोडक्ट्स आगे चल के डेवलप होंगे और एक्सपोर्ट उनका होगा तो एक बहुत बड़ा मार्केट जो शुगर केन फार्मर को मिलेगा। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।